देखा जाए तो इस कोरोना लॉकडाउन ने अपने आप को तलाशने का एक मौका दे दिया है। कुछ खोए हुए सपने, उम्मीदें और बिखरी यादों को समेटने का कुछ वक्त मिल गया है। काफी वक्त बाद आज कलम उठाया। कुछ ऐसी बातें मेरे मन में उठी जिन्हें कागज पे उतारने का ख्याल आया है। सच कहूं तो कई साल गुजर गए यूं ही कुछ लिखे हुए। कुदरत ने भी क्या गजब का नजारा दिखाया है। जानवर, परिंदे सब आजाद हैं और इंसान घर में कैद है। और आज जब दौड़ में थक हार कर हालातों के चलते घर आ बैठा तो वही पुरानी चीजों में नया सा एक एहसास मिला है। सच में कितनी अजीब है ना ये जिंदगी। हम जिंदगी के पीछे दौड़ते दौड़ते जीने का ख्याल पीछे छोड़ आते हैं। गर्मियों की रातों में जब दादी पास सुलाती थी और आसमान के तारों को यूं जोड़ना सिखाती थी, आसमान में उन बिखरे तारों को जोड़कर तारों का वो झूमर बनाना बचपन की याद दिलाता है। आसमान में सितारों को देखकर बड़ी जलन सी होती है। क्यों आज भी कैसे ये सितारे आसमान की गिरफ्त में होकर भी आजाद हैं? और मैं हैरान हूं देखकर कि आजकल के बच्चे कैसे कॉन्स्टेलेशंस के नाम पर सोशल बुक पढ़ रहे हैं। आज फिर आसमान को देखकर जमीन पर रहने का मन नहीं करता। सब बदल गया है, लेकिन बचपन में जैसा देखा था वो आसमान आज भी वैसा ही है। बस शर्म इस बात की आती है कि कितने साल गुजार दिए, पर क्यों उस आसमान को देखने को पल भर ना गुजार सका। क्यों इस भाग दौड़ में ना जाने कितना कुछ पीछे छोड़ाया, और जिंदगी के शोर में क्यों अपनी धड़कन भी ना सुन पाया। आखिर क्यों?